मुंबई 1980 सड़कों पर खोले यहां खून खराबा होने लगा। गैंगस्टर्स के खत्म होने की कहानी शुरुआत से दहला देने वाले रोमांचक देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.sonylist.com। अंडरवर्ल्ड की दुनिया, इस दुनिया से कोई पेट की भूख की वजह से जुड़ा, कोई बेरोजगारी की वजह से, किसी को जल्दी जल्दी पैसा कमाने का नशा था तो किसी पर ताकतवर बनने की धुन सवार थी। गैंगस्टर की इन्हीं नस्लों में से एक थे साइकोपैथ, यानी वो जिन्हें क्राइम करने में उतना ही सुकून मिलता था जितना कि किसी योगी को साधना करने में। ये वो लोग थे जिन्हें किसी को मारने में मजा आता था, जो दूसरों को दर्द देकर खुशी से पागल हो उठते। आप क्या चाह कह रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। आई एम अ जेंटलमैन, मैं बता रहा हूँ। आप क्यों मुझे चांदनी चांदनी तुम यहाँ कैसे, तुम ठीक हो? क्या क्या हुआ? क्या भाऊ? आप रोशन लाल? यस, माई सेल्फ डॉक्टर रोशन लाल। आप ही के हॉस्पिटल में मैं एडमिनिस्ट्रेटर इंचार्ज हूँ ना, आपसे पहले मिल चुका हूँ, भूल गए क्या आप? ए, मेरे कई हॉस्पिटल्स हैं और तेरे जैसे आंडू बानू डॉक्टर रोज दिन रात मुझे सलाम करते हैं, समझा? ये मेरा भतीजा सिद्धेश की बीवी, मेरी बहुरा, इसने तेरे बारे में बहुत कुछ बताया। मैं तो हिल गया। रे बाबा, मेरे भतीजे सिद्धेश को क्यों मारा? मैंने तो नहीं मारा, एक्सीडेंट था। अच्छा, अब तेरी मौत भी एक एक्सीडेंट होगी। लिसन, आई एम अ डॉक्टर। हाँ, रुको 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 रुको, अरे मना कर रहे तू? अभी इससे और बहुत कुछ पूछना है। अब ये बताएगा कि इसने सिद्धेश को कैसे मारा। बोल, क्या हुआ? ये था कि ऐसे कब तक चलेगा रोशन लाल? तुम शादीशुदा हो। दिल शादीशुदा नहीं होता। दिल के छोड़ो, मेरे पति को शक हो गया है। और एक तो तुम फिर पड़ोसी भी हो। अब तुम ऐसे करते हो ना तो मुझे बहुत डर लगता है। अब आपको बता दिया, अब आप क्या चाहते हैं भाऊ? कीमत? तुझे पुलिस के हवाले ना करने की कीमत। अरे आप तो समझ रहे हो, ऐसा नहीं हूं मैं, बहुत सिंपल सा डॉक्टर हूं मैं। आप, मेरे पास थोड़ी ज्यादा पैसे हैं। आपको क्या क्या कीमत चाहते हैं? मौत के बदले मौत। तूने मेरे भतीजे को मारा, अब मेरे बदले तू किसी और को मारेगा। हिसाब बराबर। मैं क्यों? तू क्यों? क्योंकि तेरे जैसे आदमी मैंने आज तक देखा ही नहीं। साला कमाल का है तू। कांच के टुकड़े के साथ इतनी सफाई के साथ खून किया कि साला किसी को शक भी नहीं हुआ।
ऊपर से डॉक्टर है, कौन सी नस काटनी है सब पता है। सच कहूं मजा आ गया। नहीं 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 गलत समझ रहे हैं आप, सिद्धेश से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, उसकी बीबी के साथ चक्कर था। डर मत, सिद्धेश वैसे भी मेरे लिए किसी निखट्टू से कम नहीं था। मेरी और भी कई दुश्मनियां हैं, मजेदार और खतरनाक दुश्मनियां। तुझे संतोष शेट्टी को मारना है। कौन है ये संतोष शेट्टी? एक रोली का डॉन, बाकी सब ये मामा तुझे समझा देगा। और जब तक तू शेट्टी को खत्म नहीं करता है ना, तब तक तेरी ये जान हमारे पास रहेगी, समझा? आओ, ये आपके और मेरे बीच में है, उसको छोड़ दो। इसको छोड़ के आओ, जाओ। भाऊ मेरी बात सुनिए, देखिए मैंने कुछ एक काम किया तो है नहीं, मैं भी प्रोफेशनल तो हूँ ही, फिर कैसे काम करेंगे? आज की हमारी ये कहानी एक ऐसे ही साइकोपैथ की कहानी है, जो पेशे से तो एक डॉक्टर था, लेकिन जिंदगी के बजाय मौत बांटना उसका जुनून बन गया था। जरा सोचिए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या मुंबई पुलिस के लिए उससे निपटना आसान था? सुना रहा हूँ एक अजीबो गरीब एनकाउंटर की कहानी, शुरुआत से मेरी जबान। हेलो, आई एम डॉक्टर रोशन लाल, एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज। कहिए क्या कर सकता हूँ आपके लिए? प्लीज बैठिए। थैंक यू। बैठिए। डॉक्टर, सिद्धेश की मौत कैसे हुई? सिद्धेश? हाँ, सिद्धेश हीरामन भाव का भतीजा। हीरामन भाव जो इस हॉस्पिटल के मालिक हैं, वैसे आपके हीरामन भाव फिर गैरकानूनी धंधों के भी मालिक हैं। देखिए आप क्या कह रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन भाव की बहुत इज्जत है यहाँ पर। इसी से डरना और उसकी इज्जत करना दोनों में फर्क होता है डॉक्टर। तो बताइए, हीरामन भाव के भतीजे के साथ क्या हुआ डॉक्टर? एक्सीडेंट में खून बहुत बह गया था। इससे पहले कि हम खून चढ़ाते, पेशेंट ऑपरेशन टेबल पर ही एक्सपायर हो गया। एक्सीडेंट कहाँ हुआ? कोई गवाह? सिद्धेश के घर में, उसकी पत्नी चांदनी और मैं हूँ गवाह। आप? हाँ, सिद्धेश पड़ोसी है मेरा, मतलब था, और वो बाथरूम का दरवाज़ा नहीं खोल रहा था तो उसकी पत्नी ने मुझे बुला लिया। मैंने बाथरूम के दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोला तो देखा कि खून में लथपथ पड़ा हुआ है वो, आईना भी टूटा हुआ था, तो मैंने जल्दी से उसको हॉस्पिटल ले आया। मैं कपड़े क्या पहने हुए थे सिद्धेश ने? क्या कपड़े? कपड़े मंगाए। नर्स? यस सर। वो सिद्धेश के कपड़े लेके आओ। ओके सर। अच्छा डॉक्टर, मैं सिद्धेश की बीवी से मिलना चाहता हूँ। सिद्धेश की मौत बहुत सडन हो गई ना, तो उसकी वाइफ चांदनी जी जो है वो बहुत ही गहरे शौक में है अभी। अच्छा लौड़ी जी, जी एक्सीडेंट साइड पर चलते हूँ सर। मैं लेकर चलता हूँ। आपको यहाँ कोई काम नहीं है? नाइट ड्यूटी थी, खत्म हो गई। चलिए इनको दिखाओ। अ
पंडित जी इसकी एंट्री करो और सील कर दो। जी चलें। चलें। पंडित जी मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, ये गन आपने पहले कभी नहीं देखी? मैं पहली बार देख रहा हूँ। अरे चले। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है, कुछ चाहिए होगा तो हम दोबारा आएंगे। चांदनी जी ने आपको फोन करके मदद के लिए बुलाया था या आपके घर पर आकर बेल दबाया था? मेरे घर के दरवाजे पर आकर बेल बजाई, फोन क्यों करेंगी? हेलो, मैं मिस्टर सिद्देश का दोस्त बोल रहा हूँ, उनका एक्सीडेंट हो गया। आपकी उनसे लास्ट बात कब हुई थी? डॉक्टर, जब चांदनी जी बात करने के लिए तैयार हो जाएंगी मुझे कॉल करना। जी। काय साहेब, पुलिस स्टेशन को घर बना लिया? आओ, घर बसाने के बाद मेरे घर पे तपली होगी ना? आओ, घरवाली शक करेगी। फिलहाल तो शक मुझे उस डॉक्टर रोशन लाल पर हो रहा है। सिद्धेश के घर के निकलने से 10 मिनट पहले उसने एक कॉल किया था। उस आदमी से मैं मिला, सेकंड हैंड कार्स का डीलर। उसने कहा कि सिद्धेश को एक गाड़ी अच्छी लगी है और वो 10,000 रुपए देकर उसे बुक करना चाह रहा था। और वो उसकी जेब से मिले? जेब में 10,000 रुपए लेकर वो बाथरूम क्यों गया था भाई? और बाथरूम जाना है तो जाना है ना, अब जेब में 4 आना रहेगा या 10,000? और बाथरूम में जाकर इतना बड़ा आईना उस पर गिर गया, उसके पैर की नस कट गई और सिद्धेश के पिस्तल पर खून के दाग। कौन अपने रिवॉल्वर पर खून के निशान छोड़ता है? वही जो खून को पानी की तरह बहाता है। आओ साहब, ये सिद्धेश हीरामन भाव का भतीजा था। लगता है आप काफी जानते हैं इस हीरामन भाव के बारे में। बड़े बड़े गुंडे, मवाली और गैंगस्टर का उतार चढ़ाव देखा है मैंने, लेकिन ये हीरामन भाव, ये तो कभी उतरा ही नहीं, हमेशा ऐसा टॉप पे रहा है वो। तो ये भी तो हो सकता है कि हीरामन भाऊ के किसी दुश्मन ने सिद्धेश को मारा, सुपारी किलिंग भी हो सकती है। आओ साहेब, आईना गिरा करके उसके कांच से किसी का नस काटना, ऐसा सुपारी किलिंग सिर्फ किताबों में होता है सर। हो ना हो, डॉक्टर रोशन लाल का इस खून से जरूर कोई कनेक्शन है। वो सामने जो होटल है वो संतोष शेट्टी का होटल है, वो रोज सुबह इधर नाश्ता करने और सुसु करने आते। वो नाश्ता करे या ना करे लेकिन सुसु जरूर करता है, शायद कोई बीमारी है। डायबिटीज और बीपी कंट्रोल में नहीं होगा। डायबिटीज को कंट्रोल में करने के लिए इंसुलिन का डोज बढ़ाया जाता है और बीपी को। मैंने तुझे उसका इलाज करने के लिए इधर नहीं बुलाया, उसको खलास करने के लिए बुलाया है, समझा? ये लो डॉक्टर। ये क्या है? हथियार, देखा नहीं पहले कभी? नहीं चाहिए तो क्या हाथ से मारेगा? मेरे पास मारने के 56 तरीके हैं। मैं अपना हथियार साथ में लेके चलता हूँ और अनाथालय वालों ने बड़ी मेहनत से पढ़ाई करवाई है मुझे डॉक्टरी की, तो कहीं तो काम आनी चाहिए। अगर डॉक्टर ऐसा हो तो यमराज का धंधा बंद हो जाएगा।
हम संतोष शेट्टी की गाड़ी। ए डॉक्टर, संतोष शेट्टी मरना चाहिए, किसी भी हाल में मरना चाहिए, समझा क्या? चिंता मत करो, जिंदगी और मौत की सभी नसों से वाकिफ हूं मैं। भाई लाइन क्लियर है। आपने बेस्ट ऑफ लक नहीं बोला, बोलो ना प्लीज। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अभी क्या हुआ? मैंने थैंक यू बोला, आपने वेलकम नहीं बोला। वेलकम।
तो सूखे हुए खून की कुंडली आ गई है। सिद्धेश के खुद के खून के निशान उसके पिस्तल पर। अपने पिस्तल पर अपने खून के निशान कैसे हो सकते हैं? रिपोर्ट आया है तो होगा ना सर, तो डीएनए रिपोर्ट कभी गलत नहीं होता। देश कबर्ड से पैसे लेने गया, उसने बाथरूम से कोई आवाज सुनी होगी, उसे शक हुआ होगा, उसने कबर्ड से पिस्तल निकाली और बाथरूम की ओर पड़ा। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला लेकिन वहां कोई नहीं था। कातिल कहीं छुपा हुआ था। उसे सिद्धेश के पैर पर अटैक किया, पैर की नस काटा, खून बहा पिस्तल की और इस तरफ पिस्तल पर खून के निशान। और साहब का पिस्तौल अगर बाथरूम में गिरा तो उसको उठा के उधर कपड़े में किसने डाला? और कातिल अगर बाथरूम में छुपा हुआ था तो वो बाथरूम में आया कैसे? घर में पहले और कौन था? चांदनी, सिद्धेश की पत्नी। किस केस का ये मेन मोरा है? लेकिन मोरा गायब है। गायब मंजे? गायब मंजे गायब। सिद्धेश की मौत के बाद वो कहीं चली गई, उस एक्सीडेंट के बाद गायब हो गई है। मुझे गायब होना कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता सर। डॉक्टर रोशनलाल और चांदनी का जरूर कुछ गड़बड़ रिश्ता है। हाँ कब साहब लेटेस्ट खबर मिला क्या? क्या? विक्रोली का डॉन मटका किंग संतोष शेट्टी, उसका गेम बजाया किसी ने। लगता है गैंग और छिड़ने वाला है साहब। अरे हाँ बोला ना काम हो जाएगा। हाँ हाँ चल अभी फोन चल। ये पाटिल को है ना लाइन पे लेके आ, अभी बहुत दिमाग खराब कर रहा है वो। भाव आ जा, जा। एक मिनट भाव। शुद्ध हो गया भाव। मैंने इतनी गलतियां की, मैंने आपके बेटे जैसे भतीजे सिद्धेश को जान से मार डाला, उसके बाद भी आपने मुझे पुलिस में नहीं दिया। आप मान रहे मैं आपके लिए क्या करूं भाऊ? भाऊ मैं चाहता हूं कि आप मेरे गुरु बन जाओ, आप मेरे रक्षक बन जाओ, आप मेरे सब कुछ हो। मैं आपके चरणों में रहूंगा, मैं आपके चरणों में रहूंगा भाऊ, चरणों में आपके। गेम बजाने के बाद आदमी का मेंटल सेट ऐसा ही हो जाता है, फिक्र करने की जरूरत है, ठीक हो जाएगा। हाँ ये डॉक्टर डॉक्टर चल ऊपर देख, इधर देख, इधर देख। तूने मेरे भतीजे को मारा, ठीक है? बदले में मैंने तेरे से खून करवाया, ठीक है? तो ऐसा बराबर। हाँ अब हम लोग में से कोई तेरे को परेशान नहीं कर। हाँ अब तू जा घर, जा चल निकल। लोगों को मारता हूँ ना, उनका खून देखता हूँ ना, तो मेरी आत्मा को शांति मिलती है भाऊ। मेरे रोम रोम में ठंडक पड़ जाती है, मुझे बहुत सुकून मिलता है भाऊ, मजा आता है। चल बहुत हो गया सर ड्रामा है, चल फूट जल से। मामा दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में बात नहीं करना चाहिए। इट इज कॉल्ड बैड मैनर्स मामा, इट इज कॉल्ड बैड मैनर्स। भाऊ से बात कर रहा हूँ। मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे भाऊ? मुझे जान बचाने से ज्यादा जान लेने में मजा आता है। तू मुझे मजबूर मत करके मैं तेरी जान ले लूँ। जब मुझे जान लेने में मजा आता है तो आप मेरे हुनर का फायदा उठाओ ना। देखो मैं लोगों को मारता रहूंगा आपके लिए, आप पर किसी को शक नहीं होगा, आप फंसेंगे भी नहीं, किसी को आपके खिलाफ सबूत नहीं मिलेगा, मेरा भी काम हो जाएगा, मुझे मजा आ जाएगा। प्लीज 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 प्ली, आप रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट आप मेरी बात मान लीजिए ना, रिक्वेस्ट प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू बाबू, योर गॉड ओके। आप मानो बाबू, मानो बाबू, बाबू आप सच में ग्रेट हो। थैंक यू बाबू, थैंक यू, थैंक यू। एकदम मेंटल हो गया। हम में से मेंटल कौन नहीं है मामा,
बस इसका पागलपन थोड़ा हटके। तावड़े जी, मुझे लगता है संतोष शेट्टी का मर्डर केस हमारे केस से जुड़ा हुआ है। वो कैसे सर? देखिए, संतोष शेट्टी का खून एक खास आर्टरी के कटने से हुआ है, कैरोटिड आर्टरी कहते हैं उसे। और ये आपको कैसे पता चला? तावड़े जी, अच्छे पुलिस वाले सिर्फ खबर नहीं पड़ते, मैंने अपने तरीके से पता लगाया। वाह साहब, और फिर? फिर संतोष शेट्टी का खून बिल्कुल उसी तरह हुआ है जैसे कि सिद्धेश का हुआ था। एक वार एक नस। मैंने कुछ खबरियों से पता लगवाया कि संतोष शेट्टी और हिरामन भाऊ के बीच मटके के धंधे को लेकर दुश्मनी काफी बढ़ गई थी। तो सोचिए तावड़े जी, हिरामन भाऊ से ताल्लुक रखने वाले दो लोगों की हत्या एक ही तरीके से हुई है। वो जरूर इस सारे कांड का एक अहम खिलाड़ी है। एक मंत्री है, मेरी जमीन पर नजर थी उसकी, पीछे पड़ा था। दे 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 दे। वो भी कौड़ियों के भाव। सीएम साहब ने कहा कि दे दे, क्योंकि उनको उस मंत्री की जरूरत थी। मैंने भी दे दी क्योंकि मुझे सीएम की जरूरत थी। कुछ कुछ मत बोलिए भाऊ, आपके मन का संदेश, आपके दिल का संदेश मुझ तक पहुंच रहा है। आप यही चाहते हैं ना कि उस मिनिस्टर को सबक सिखाया जाए हमेशा के लिए? हो जाएगा भाऊ। तूने एकदम मेरे दिल की बात सुनी, बराबर सुनी यार। अब एक और बात सुन, आज हमारे हॉस्पिटल यानी तेरे हॉस्पिटल के नए ओपीडी का उद्घाटन है। आप लोगों के लिए कितना करते हैं भाऊ? आप महान है, आप महान है। मैं एक और महान कार्य करने जा रहा हूं। इस नए ओपीडी के उद्घाटन के लिए मैंने उस मिनिस्टर को ही बुलाया, अनवर अली। वैसे क्राइम सीन की तस्वीरें मिलेंगे? क्यों चाहिए? क्योंकि आपके केस के डिटेल्स और मेरे केस के डिटेल्स बिल्कुल मिलते जुलते। जी आइए। एक छोटा एक्सपर्ट सा घाव किया गया, ये एक ऐसे आदमी का काम लगता है जो जानता है कि कौन सी नस कितनी गहराई तक काटनी, जैसे कोई डॉक्टर काटता है। उस खूनी ने भी डॉक्टर वाला कोट ही डाला था, लेकिन हमें लगा शायद वो दुनिया को गुमराह करने के लिए पहना हुआ है। वो दुनिया को गुमराह करने वाला आदमी नहीं है, बल्कि खुद ही अपने सरफरी दुनिया में रहता है। कुछ स्केच बने हैं इस कातिल की? जी बनी, पर हमारे रिकॉर्ड्स में कोई भी ऐसा नहीं मिला जो इस स्केच से मेल खाता हो। हमने इस स्केच सब जगह भेज दिया है, जैसे कि पासपोर्ट ऑफिस, सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस में, लेकिन तुम तो जानते हो कि इन सब जगहों पे कितना टाइम लगता है। स्केच तो बिल्कुल हमारे सस्पेक्ट से मैच करती। सभी यूनिट को सूचित किया जाता है, ग्रामीण विकास मंत्री अनवर अली का काफिला हीरामन भाऊ हॉस्पिटल की तरफ निकल चुका है। मंत्री एक नामचीन गैंगस्टर के हॉस्पिटल जा रहा है। पॉलिटिशियन तो पर्दे के पीछे मिलते हैं ना, खुलेआम मिलने का क्या मतलब? और हमारा आरोपी उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर रोशन लाल। इस रोशन लाल तक पहुँचना बहुत जरूरी। अरे स्वागत है, स्वागत है मंत्री जी, आइए आइए। आप भी का हॉस्पिटल। शुक्रिया भाऊ साहब, ये तो आपका बड़प्पन है, बड़े दिल वाले हैं आप। हाँ We'll be right back.
कैसी हो शांति? रुकी हूँ, आपका इशारा करो। अच्छा शांति, जब मैं इशारा करूंगा ना तो तुम वो बड़ा वाला बलून फोड़ देना। क्यों सर? ओके सर। थैंक यू। मिनिस्टर साहब की हालत बहुत क्रिटिकल है सर, नर्स मेरे साथ चलो जल्दी। इमरजेंसी वार्ड किधर है? सर उधर आगे से दाएं। क्या हुआ यहाँ पर? डॉक्टर रोशन लाल का है? किसी ने मिनिस्टर अंदर अली को गोली मार दी है और साथ में डॉक्टर रोशन लाल भी घायल है। क्या, कहाँ है वो लोग? वो ऊपर इमरजेंसी वार्ड में है। आप अंदर जा सकते हैं। जो डॉक्टर रोशन लाल के घाव देखे, गोली का घाव है, आपने चेक किया है? नहीं, लेकिन और कैसे हो सकता है? हो सकता है, मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर रोशन लाल ने मिनिस्टर पर गोली चलाई है। What nonsense! आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। हटिए, आप अंदर नहीं जा सकते। देखो मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, जाने दो मुझे। हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। जाने मंत्री जी नहीं रहे। अरुण, इस कैमरा की मदद से डॉक्टर रोशन लाल ने मिनिस्टर साहब की हत्या कर दी। अब हेडक्वार्टर्स को इत्तला करो कि बहुत जल्द मिनिस्टर साहब का हत्यारा हमारे ताबे में हो। डॉक्टर रोशन लाल मंत्री जी का कातिल है। Are you sure? बिल्कुल। नर्स शांति, आईसीयू में आ जाइए, इमरजेंसी है, जल्दी। नर्स शांति कौन है? मैं हूँ सर। बाकी सब इस बगल वाले कमरे में इकट्ठा होंगे, सब चलिए। क्या है वो आईसीयू के डॉक्टर नर्स सभी लोग इमरजेंसी ड्यूटी पर रहते हैं, तो सीरियस पेशेंट्स को देखने के लिए किसने ले सकते हैं? ठीक है सर, फिर हम आईसीयू में जाएंगे। दावड़ी जी, एक यूनिट को आईसीयू में भेजिए। इस हॉस्पिटल में एक बहुत खतरनाक कातिल घूम रहा है, क्योंकि पागल है। भेजे जल्दी, तुम योगा जाओ। दावड़ी, और बाकी सब चलिए।
साइलेंस साइलेंस साइलेंस, आवाज नहीं करना, पेज में उड़ा दूंगा, सांस भी नहीं, सांस भी नहीं, बस चुप चुप उधर बैठे, चुप, रोना नहीं, रोना नहीं, मारूंगा नहीं, मारूंगा नहीं, चुप। मैं हाथ छोड़ रहा हूँ, बोलेगी तो गोली मारूंगा। देखो रोना मत मेरी बात सुनो, देखो मेरे साथ ना धोखा हुआ है, इन्हें कुछ किया नहीं है, देखो मेरे तो हाथ में गोली लगी है, उन लोगों ने मारा था, अब मुझे फंसा रहे हैं, देखो मैं मरना नहीं चाहती सर, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैं भी नहीं मरना चाहता, मैंने भी किसी का क्या बिगाड़ा, मैं तो सिर्फ डॉक्टरी कर रहा हूँ, देखो तुम प्लीज 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 मेरी हेल्प करो ना प्लीज, मैं क्या करूँ, यहाँ से निकलने में मदद करो ना मेरी प्लीज, पर आप यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे सर, कैसे वही तो एक मिनट यही बैठना, आवाज नहीं करना नहीं तो उड़ा दूंगा, मैं आता हूं, मैं गोली मार दूंगा अगर आवाज, क्या हुआ डॉक्टर ने नर्स को अंदर बंधक बनाया हुआ है, बाकी पेशेंट भी अंदर है, रोशन लाल हम जानते हैं तुमने नर्स को बंधक बना रखा है, हमें कुछ सबूत चाहिए कि वो जिंदा है वरना हम दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे, अंदर मत आइए, डॉक्टर लाल ने मुझे पकड़ के रखा हुआ है, वो पेशेंट्स को भी अपने कब्जे में रखे हैं, प्लीज अंदर मत आइए इंस्पेक्टर, वो हम सबको जान से मार डालेंगे, इंस्पेक्टर प्लीज अंदर मत आइए, सुन लिया इंस्पेक्टर, मेरे पास बहुत सारी गोलियां हैं, इसे और इन सब पेशेंट्स को उड़ा सकता हूं मैं, चलो निकलो यहां से, मैं बेगुनाह हूं लेकिन मैं अपने आप को बचाने के लिए मार दूंगा इनको, मुझे आका मैप चाहिए, मैप तो नहीं है इस जगह का, ठीक है कोई बात नहीं सर, हम फिर भी अंदर जाएंगे, कोई दूसरा रास्ता होगा, पीएसए प्रवीण, मिनिस्टर अनवर अली का केस बहुत सीरियस केस है और डॉक्टर रोशन ने सबको गन पॉइंट पे रखा है, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, स्पेशल टीम आ रही है, जब तक उसे बातों में उलझा के रखो, मैं भी देखता हूं दूसरा कोई रास्ता है क्या, कम ऑन फॉलो मी, रोशन लाल तुम्हारे क्या डिमांड्स हैं, इंस्पेक्टर मुझे यहाँ से सही सलामत निकल जाने दो, देखो मेरे साथ धोखा हुआ है, मैंने कुछ किया भी नहीं है और मंत्री को मैंने नहीं मारा है, मेरे साथ धोखा हुआ है, बात समझने की कोशिश करो प्लीज, मैं एकदम इनोसेंट हूँ, इंस्पेक्टर प्लीज अंदर मत आइए, इंस्पेक्टर डॉक्टर लाल ने अपने गन पे रखा हुआ है, सुनो अरे एक मिनट में चिल्लाती रहना कि डॉक्टर लाल ने मेरे सर बंदूक रखी हुई है और वो मुझे मार देंगे, समझ रहे हो तुम, मुझे पता करना है ना कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने हमें मौत के स्कूल में फंसा दिया, इंस्पेक्टर वो हमें मार डालेंगे, इंस्पेक्टर प्लीज अंदर मत आइए, इंस्पेक्टर प्लीज अंदर मत आइए, डॉक्टर लाल हमें मार डालेंगे, इंस्पेक्टर वो पेशेंट्स को भी मार डालेंगे, इंस्पेक्टर प्लीज, नर्स तो चिल्ला रही है लेकिन रोशन लाल तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, इंस्पेक्टर प्लीज अंदर मत आइए, इंस्पेक्टर ये क्या पागलपन, ये नर्स तो गिनकर हर 50 सेकंड में चिल्ला रही है, साहब मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, जरूर कोई गड़बड़ है, मैं अंदर जा रहा हूं, पर साहब क्या हुआ शांति, चुप क्यों हो गई, चिल्ला, इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर प्लीज अंदर मत आइए, इंस्पेक्टर थैंक यू डॉक्टर लाल हम सबको मार डालेंगे, उन्होंने पेशेंट्स को भी अपने कब्जे में रखा हुआ है, रोशन लाल स्पीकिंग, हाथ ऊपर करो, दरवाजे से पीछे हटो, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, सीधा शूट करूंगा, मैं तो पहली बार भी नहीं बोलूंगा बेटा, और सीधा इस पेशेंट के भेजे में गोली मार दूंगा, मैं बता दे रहा हूं, और मेरा निशाना चूकता नहीं है, क्या 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 प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा, तुम एक सीधे साधे डॉक्टर के पीछे पड़ गए हो यार, बाहर तुमको चोर डाकू उचक के नहीं मिल रहे हैं क्या, तुम बाहर जाओ ना यार, तो प्लीज देखो मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करना, बुद्धू है तू, समझ में नहीं आ रहा तेरे को, इंस्पेक्टर हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी छह की छह गोलियां इसके पेट में उतार दूंगा ना, तब समझ में आएगी इसकी मौत का जिम्मा फिर तेरे सर पे आएगा, समझ में नहीं आ रहा, पीछे पीछे पीछे
रोशन लाल, मुझे डराने की कोशिश मत करो, तुम खुद बहुत डरे हुए हो, चुपचाप सरेंडर करो। क्या बोला? मैं डरा हुआ हूं? डॉक्टर रोशन लाल हूं मैं, डरता नहीं हूं मैं। डरे हुए तो तुम हो, देखो तुम्हारी फटी हुई आवाज और ये लाल आंखें बता रही है कि तुमने अभी अभी सर्विस ज्वाइन किया है ना, और आज तक तुमने किसी को एक भी गोली नहीं मारी है। Am I right, इंस्पेक्टर? नहीं चलाइए ना डॉक्टर, अपनी मौत को बुलावा मत दो। अरे मौत का बुलावा बुलावा कुछ नहीं होता बेटा, मौत तो बस सीधे आती है धमाक और आदमी मर जाता है, खत्म हो जाता है, समझे? तुम मौत की बात मत करो, तुम पहले सीखो, ट्रेनिंग लो। तुम एक काम करो, पहले तुम चींटी को मारो, फिर उसके बाद कॉकरोच को मारो, और उसके बाद चूहे को मारो, फिर जब ट्रेनिंग हो जाएगी ना उसके बाद मौत की बात करना। जाओ 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 जाओ, उसको मार दूंगा। हेलो, आओ। शुरुआत तूने की है लेकिन खत्म मैं करूंगा इंस्पेक्टर। जल्दी करना मत, हाँ मेरे पास गोलियां बहुत हैं, लेकिन अगर खत्म भी हो गई तो मुझे 56 तरीके आते हैं लोगों को मारने के। हाँ चलो अच्छे बच्चे की तरह लेफ्ट में हो जाओ, कमान कमान कमान। रोशन लाल ये क्या कर रहे हो? ज्यादा बहस नहीं करते हैं, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ वो बाद में बताऊंगा। चलो लेफ्ट जाओ, पीछे पीछे पीछे, नहीं तो इसका वीजा उड़ा दूंगा। हाँ और इन सब की मौत की जिम्मेदारी फिर तुम पर आएगी, तुम्हें प्रमोशन तो मिलेगा नहीं, तुम्हारा डिग्रेडेशन हो जाएगा। शाबाश इंस्पेक्टर, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन क्या आप एनकाउंटर के अलावा कोई हल नहीं था? जिंदा नहीं पकड़ सकते थे? शायद नहीं सर, मैंने इसे चॉइस दिया था सरेंडर करने का, इसने लिया है। ऊपर से पेशेंट्स को मार डालने की धमकी दे रहा था, आप समझ रहे हैं सर? या आई अंडरस्टैंड। लेकिन सर एक बात समझ नहीं आई, पीछे से किसी ने गोली मारी। सर एक आदमी गन के साथ पकड़ा गया है, चल के देखिए वो क्या कहना चाहता है। आओ मेरे साथ। लवड़ी जी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए और गन को ताबे में लीजिए। सर अरे मंत्री का गेम बजा दिया, बहुत मैं बाद में बात करता हूँ। अरे कुछ मालूम पड़ा क्या? ठीक चले, बता किसने भेजा तेरे को? हमें हिरामन भाव ने भेजा था, डॉक्टर रोशन लाल की खोपड़ी उड़ाने को। साहब ये बकवास करता है, साहब ये झूठ बोलता है, मैं इसको जानता भी नहीं हूं। अरे सच बोलता हूं साहब मैं। अरे ये मैं, आप मेरे वकील को फोन करिए। चलिए पहले तुम्हारे जुर्म की सल्तनत की एक एक ईंट अलग करेंगे, देखते हैं कितने गड़े मुर्दे निकलते हैं। लेके जाओ इसे, चलो। झूठ बोलता है। इंसान को इंसान ना समझकर उन्हें अपनी जरूरतों का सामान समझने वाले डॉक्टर लाल को अगर खत्म नहीं किया जाता तो वो पूरी कौम बदनाम हो जाती है, जिसे हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। पन्ने अभी बहुत बाकी हैं, मेरे साथ जरूर देखिए एनकाउंटर। मेरी जिंदगी के साथ ऐसी राजनीति क्यों? और फिर आप लोग दावा करते हैं बदलाव का? ये कोर्ट इस केस के अपराधी है, फांसी की सजा सुनाती है। अब आप देख सकते हैं क्राइम पेट्रोल के नए और पुराने एपिसोड्स www.sony.com।